दूसरे की थाली। महापुरुषों के वचन है सात संगत जी, ज्ञान है, लेना है तो ले लो। एक बड़ी अनमोल बात कहने जा रहे हैं दास, बहुत अनमोल बात कहते थे महापुरुष, साथ में खाओ और एक थाली में कभी मत खाओ। घर से बोलिए धन गुरु नानक, बड़े ध्यान से समझना दास जो कहने जा रहा है। ज्ञान है, लेना चाहो तो ले लो, भोजन साथ में खाओ, थाली साथ में ना हो। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, महापुरुषों के वचन है। इसका गहरा भाव समझ लेना कि हर रिश्ते में थोड़ी दूरी बनाए रखो, हर रिश्ते में थोड़ी दूरी बनाए रखो। रिश्ते टूटते वहां पर हैं जब थाली साथ में हो जाए। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसको वैसे कोई कोई समझ पाएगा दास जो कहना चाहता है। अब ये हॉल बना हुआ है समझो, कहीं पर भी पिलर्स हैं, उसके पिलर्स दूर दूर होते हैं। अगर पिलर्स नज़दीक बना दिए जाए ना तो छत गिर जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। थोड़ा फासला ज़रूरी होता है तब जाके छत रुकती है। दो पिलर्स के बीच में, दो स्तंभों के बीच में, खंभों के बीच में गैप चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु।